मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्र नेता राहुल जोशी की कल अस्पताल में मौत हो गई। परिवार वालों और उसके साथियों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रोते बिलखते परिवार को संभालना मुश्किल हो रहा था। राहुल जोशी की शव यात्रा में काफी लोग शामिल हुए। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़े छात्र नेता राहुल जोशी की मौत को लेकर बजरंग दल और बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़े लोगों पर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पिछले शुक्रवार यानी 31 अगस्त को बजरंग दल और ABVP से जुड़े चार लड़कों ने राहुल जोशी को केरोसिन डालकर जला दिया था। घायल राहुल जोशी को पाढ़र के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने कल दम तोड़ दिया। मौत से पहले राहुल जोशी ने बजरंग दल और ABVP से जुड़े लोगों पर आरोप भी लगाया था। मैं युवा कांग्रेस का काम करता हूं, तो बजरंग दल वालों को बुरा लग गया। वो आए, मेरे को मारा और आज के दिन उन्होंने जला दिया। आरोप है कि राहुल ने घटना के कुछ दिन पहले कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था। राहुल जोशी का आरोप था कि उनकी सक्रियता से बजरंग दल और ABVP से जुड़े लोग नाखुश थे और उन पर अपने संगठन में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने इस केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का कहना है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। जैसे जैसे उसने आरोप लगाए हैं जिस व्यक्ति पे, वो सरासर गलत है। ये बैतूल में थे, मैं हॉस्पिटलाइज था, मेरे को उठा के हॉस्पिटल से लेके आए। राहुल जोशी की मौत को लेकर इलाके की राजनीति भी गर्मा गई है। NSUI और कांग्रेस के स्थानीय नेता पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं। अगर उन पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन कॉलेज बंद करेंगे और ये लड़ाई को प्रदेश स्तरीय लड़ाई बनाएंगे और उन मुजरिमों को पूरी सजा मिलना चाहिए। राहुल के परिवार वालों ने भी आरोप लगाया है कि अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की होती तो राहुल पर हमला ही नहीं होता। पुलिस का कहना है कि उसने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन डॉक्टरों से उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई है। आगे जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।